अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और वाइटनिंग क्रीम का रिव्यू दूंगी, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हिमानी वाइटनिंग ब्यूटी गोल्ड क्रीम का रिव्यू दे। तो आज का मेरा रिव्यू बिल्कुल ऑनेस्ट होगा कि इससे मुझे क्या रिज़ल्ट मिले हैं, मैंने क्रीम जिसको यूज़ कराई थी उनका फ़ीडबैक क्या रहा है, और इसके अलावा भी इस क्रीम के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही आप लोगों को ये जो है रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और अब मैं आपको बताऊंगी क्या वाकई में ये वाइटनिंग क्रीम है, आपको बेस्ट रिज़ल्ट देता है या नहीं। ये तमाम डिटेल जानने के लिए सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं वाइटनिंग प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का रिव्यू देती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ वॉच नहीं की तो काइंडली मेरे चैनल पर जाकर मेरी तमाम वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास हिमानी की वाइटनिंग ब्यूटी गोल्ड क्रीम है। इसकी बहुत ज़्यादा और भी प्रोडक्ट्स आती है, और ये जो है क्रीम्स भी बहुत मुख्तलिफ किस्म की इसकी आती है, लेकिन आज जो मैं रिव्यू करूँगी जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये क्रीम है, वाइटनिंग ब्यूटी क्रीम गोल्ड। ये 40 ml की बॉटल में आती है और इसकी प्राइस जो है वो 450 rupees में मुझे अभी मिली है। और आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर जो है एक सोप मौजूद होगा, वाइटनिंग ब्यूटी सोप, और जो सो क्रीम के ऊपर लिखा हुआ है 3-in-1 action, वही सोप पर भी लिखा हुआ है कि 3-in-1 action, यानी ये रिंकल्स के लिए, वाइटनिंग के लिए और एक्ने के लिए बेस्ट है। ये लोग क्लेम करते हैं कि आपको उनका तमाम चीज़ों के लिए बहुत बेस्ट सोप एंड जो है क्रीम है। तो इसके अंदर एक पम्फलेट भी मौजूद होगा जिसमें तमाम डिटेल्स लिखी होगी, और ये लोग किस बात का क्लेम करते हैं वो तमाम चीज़ें इस पर लिखी हुई है। और इसकी जार आप देख सकते हैं, बहुत क्यूट सी छोटी सी जार है, पैकिंग इसकी काफ़ी खूबसूरत है आप देख सकते हैं। सोप जो है बिल्कुल छोटा सा ही है, आपको अभी मैं दिखाती हूँ, लेकिन सोप की जो स्मेल है ना बहुत हार्श है, बहुत ज़्यादा मुझे इसकी सोप की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आई। और क्रीम की भी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, लाइक इस बहुत ज़्यादा हर्ब, ये लोग क्लेम करते हैं कि ये हर्बल क्रीम है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हर्ब मिलाने की वजह से इसकी बहुत हार्श जो है फ्रेगनेंस है। आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने न्यू बॉटल ख़रीदी है, इसका रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि पुरानी जो है मैंने लेकर अपनी फ्रेंड को दी थी और अपनी सिस्टर को दी है, उन्होंने यूज़ किया, उनका फ़ीडबैक अब भी आगे आपके साथ शेयर करूँगी। इसको अप्लाई करने का तरीका बता दूँ, इसको नॉर्मल क्रीम्स की तरह ऐसे अप्लाई करना होता है, ये वाइट कास्ट छोड़ती है आप देख सकते हैं ऐसे, और ये नाइट में ही आप इसको लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये डे एंड नाइट क्रीम है, लेकिन इसको नाइट में ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल फेस को वाइट कर देती है। और इसकी फ्रेगनेंस जो है ऐसे है जिस तरह आप लोगों ने किसी ने सुपारी खाई होगी, बुम्बई सुपारी एक आती थी, मैंने उसकी फ्रेगनेंस जो है वो मैंने सूंघी थी, तो बिल्कुल सेम वही फ्रेगनेंस है। लेकिन इसकी ये बात है कि जब आप लगाएंगे उसके बाद जो है ये बाद में आपको इतनी फ्रेगनेंस फील नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी है खुशबू से तो फिर वो ये क्रीम बिल्कुल यूज़ ना करें। और सोप की जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको, लेकिन अगर 2-3 दफ़ा उससे वॉश करेंगे तो उसकी जो बहुत बुरी वाली फ्रेगनेंस है वो ख़त्म हो जाती है और थोड़ी ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। और मेरी जो कज़न एंड सिस्टर ने इसका जो फीडबैक दिया वो ये है कि उनके लिए ये बहुत जो है बेस्ट रही है, इस हवाले से कि जब उन्होंने लगाया तो अगले दिन हल्की सी एक्नी उनके फेस के ऊपर आ गई थी, बिल्कुल हल्की सी, लेकिन अगले दिन नेक्स्ट डे जब लगाया एक्नी बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया इससे एक्नी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। और वाइटनिंग के लिहाज से इतना ख़ास उन्होंने फीडबैक नहीं दिया, क्योंकि वो 1 week से यूज़ कर रही है, तो बस ये है कि थोड़ा बहुत ग्लो आ गया है उनके फेस पर, और जिससे इंस्टेंट वाइटनिंग रिज़ल्ट आता है जैसे और बाकी क्रीमों से, गोल्डन पर्ल और ये सब कुछ, तो ये ऐसा इसका रिज़ल्ट नहीं आता, क्योंकि ये मर्करी फ्री है और ये बिल्कुल इसमें केमिकल्स नहीं है, क्योंकि जिस क्रीम्स में बहुत ज़्यादा केमिकल्स एंड मर्करी होती है तो वही आपको बहुत जल्दी गोरा कर देती है। अगर इस क्रीम की बात की जाए ये कि कितनी इफ़ेक्टिव है, तो ये जो है एक्ने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन वाइटनिंग के लिए इतने ख़ास इसके कोई रिज़ल्ट शो नहीं हुए। और मैंने अपनी सिस्टर और फ्रेंड से पूछा कि क्या आप इसको दोबारा यूज़ करना पसंद करेंगी, तो उनका जवाब था बिल्कुल नहीं,
कि मेरी सिस्टर की शादी होने वाली है और वो अपने जो है इंस्टेंट रिजल्ट चाह रही थी, जो कि इससे नहीं मिला उनको। तो जो लोग अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहते हैं और वो इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस नहीं है कि हम गोरे हो जाए या बहुत इस टाइप का, तो ये जो है बहुत अच्छी क्रीम है। अगर आप अपने स्किन के टेक्सचर को स्मूथ बनाने के लिए, थोड़ा सा ग्लो लाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस क्रीम की बेस्ट बात यही है कि इसमें मर्करी नहीं है, कोई हार्श केमिकल्स नहीं है। तो बाज़ार में जितनी भी लोकल वाइटनिंग क्रीम्स है, उनसे बचने के लिए उसका अल्टरनेटिव ये बहुत बेस्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।